बात करूँ अपने पहले डिवाइस की तरफ, यह है वीवो का, वीवो की तरफ से आने वाला वीवो X60। इसकी रैम की बात करो तो 12 GB रैम है, 256 GB रोम है। प्राइस की बात करो तो 29,990 रुपये इसकी प्राइस है। आज मैं जितने भी स्मार्टफोन्स बताने जा रहा हूँ वो सभी के फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स हैं, जो कि अंडर 40,000 के अंडर जो डिवाइसेस आते हैं उसके बारे में बता रहा हूँ आज। तो उसके फीचर्स की बात करो, 6.56 इंच का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले दे रखा है, जो कि 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। तो उसके अगले फीचर्स या कैमरे की बात करो तो कैमरा भी इसमें बहुत अच्छा दे रखा है, 48+13+13+ मेगापिक्सल का रियर कैमरा है, 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दे रखा है, जो कि बहुत अच्छा है भाई। फ्लैगशिप स्मार्टफोन है तो उसमें भैया ये तो देंगे ही देंगे, क्यों नहीं देंगे। तो इसके अगले फीचर्स की जो कि बैटरी की बात करूँ तो 4300mAh की पावरफुल बैटरी दे रखी है। चार्जर की बात करें तो मैं 33W का फास्ट चार्जर भी दे रखा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। क्वेल इसका प्रोसेसर की बात करूँ तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 870 ऑक्टाकोर प्रोसेसर दे रखा है। इसकी यूज़र इंटरफेस की बात करूँ तो इसमें फनटच OS 11.1 जो कि बेस्ड है एंड्रॉयड 11 पे, ठीक ठाक स्मार्टफोन है। ठीक ठाक क्या बताऊँ उसको, तो फ्लैगशिप स्मार्टफोन है जो कि महंगा बहुत आ रहा है भाई, 39,000 का फ़ोन है, तो भाई कुछ ना कुछ तो खूबियाँ होंगी इसमें। तो इसके अब बढ़ते हैं अगले सेकंड डिवाइस की तरफ, ये है ASUS की तरफ से आने वाला ASUS ROG फ़ोन 3। इसकी रैम की बात करो तो 12 GB रैम है, 128 GB रोम दे रखी है, और प्राइस की बात करो तो 38,999 रुपये इसकी प्राइस है। मान के चलिए आप इसमें 39,000 रुपये का ये डिवाइस आपके लिए आ रहा है, जो कि फुल ऑफ गेमिंग स्मार्टफोन है। इसके फीचर्स की बात करो, 6.59 इंच का फुल HD प्लस एमोलेड HDR डिस्प्ले दे रखा है, बहुत भयंकर डिस्प्ले है, बहुत ही अच्छा डिस्प्ले है इसका। उसके अगले कैमरे की बात करें तो कैमरे भी इसमें बहुत ही अच्छे दे रखे हैं, क्योंकि आपको देखने में ही बहुत अच्छे लग रहे होंगे इसके कैमरे के डिज़ाइन। तो 64 मेगापिक्सल पर 13+5 मेगापिक्सल का रियर कैमरा है, 24 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दे रखा है, बहुत ही अच्छा कैमरा दे रखा है। उसकी बैटरी की बात करें तो 6000mAh की लिथियम पॉलीमर बैटरी दे रखी है, और भाई चार्जर तो इसमें बहुत ही अच्छा दे रखा है, जो कि गेमर्स के हिसाब से चार्जर बहुत ही ठीक है, 30W का फास्ट चार्जर दे रखा है। और इसके प्रोसेसर की बात करो तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 ऑक्टाकोर प्रोसेसर दे रखा है, बहुत अच्छी बात है। OS है इसमें, ऑपरेटिंग सिस्टम जो दे रखा है इसमें एंड्रॉयड 10 पे बेस्ड है, जो कि बहुत अच्छा डिवाइस है, गेमर्स के लिए काफ़ी अच्छा डिवाइस माना जाता है। मगर अब तो ROG 5 भी आ चुका है भाई, क्या करें, 40,000 का बजट है तो इसमें यही नहीं मिल पाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगली डिवाइस की तरफ, जो कि मेरा थर्ड डिवाइस है। इसकी बात करें तो Realme GT 5G है। इसकी रैम की बात करो तो 8 GB रैम है, 128 GB रोम दे रखी है, प्राइस भी इसका बहुत ही अच्छा दे रखा है, अच्छा क्या बताऊँ, 35,999 उसकी प्राइस है भाई। डिवाइस महंगा है 40,000 के अंदर भाई, उस हिसाब से डिवाइस का प्राइस बिल्कुल ठीक है। अब इसके फीचर्स की बात करो, 6.43 इंच का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले दे रखा है, जो कि 120Hz के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। इसके कैमरे की बात करूँ तो इसमें 64+8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का रियर कैमरा दे रखा है, 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दे रखा है, अच्छा खासा कैमरा दे रखा है भाई। फ्लैगशिप स्मार्टफोन है, जो कि मैं जैसे मैं पहले भी आपको बताया कि फ्लैगशिप स्मार्टफोन है कुछ ना कुछ तो खूबियाँ देंगे ही। और इसकी बैटरी की बात करो तो 4500mAh की पावरफुल बैटरी दे रखी है, जो कि चार्जर की बात करो तो इसमें 65W का फास्ट चार्जर दे रखा है। और इसके प्रोसेसर तो और भी अच्छा दे रखा है, इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 ऑक्टाकोर प्रोसेसर दे रखा है। प्रोसेसर तो भाई GT बता ही रखा है भाई, GT का तो आप जानते हैं क्या से क्या है। इसके यूज़र इंटरफेस की बात करो तो Realme UI वर्जन 2.0 है, जो कि बेस्ड है एंड्रॉयड 11 पे। तो बढ़ते हैं अगले डिवाइस की तरफ, ये अपना फोर्थ डिवाइस है। तो इसकी बात करें तो इसमें ओप्पो रेनो 6 प्रो है, जो कि 5G स्मार्टफोन है, 12 GB रैम है, 256 GB रोम की है इसमें। अब प्राइस की बात करो तो भाई प्राइस तो 39,990 रुपये इसकी प्राइस है, जो कि पहले वाले डिवाइस से 10 रुपये कम है, सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये, हाँ 10 या 11 रुपये कम है मान सकते हैं, 10 या 11 रुपये कम है। इसके फीचर्स की बात करो तो 6.55 इंच का फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले दे रखा है, जो कि 90Hz के रिफ्रेश रेट के साथ आता है। अब इसके कैमरे की बात करो तो 64 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल पर 2 मेगापिक्सल के रियर कैमरे दे रखे हैं, जो कि फोर्थ कैमरे दे रखे हैं इसमें। अब इसके फ्रंट कैमरे की बात करो तो 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दे रखा है, बैटरी बहुत अच्छी दे रखी है इसमें, 4500mAh की लिथियम पॉलीमर बैटरी दे रखी है, जो कि इसके चार्जर की बात करें तो 65W का फास्ट चार्जर दे रखा है। प्रोसेसर तो बहुत अच्छा दे रखा है इसमें, मीडियाटेक का डिमेंसिटी 1200 ऑक्टाकोर प्रोसेसर दे रखा है भाई। इसके OS की बात करो तो इसमें एंड्रॉयड 11 चल रहा है, जो कि
अभी तो सभी के मोबाइल में नया नया अपडेट आया है एंड्रॉयड 11 का, तो इसके भाई फ्लैगशिप स्मार्टफोन है तो इसमें ये सब तो दे ही रखा होगा, क्योंकि तो आपके भी पता है 40,000 के आसपास जितने भी स्मार्टफोन है सब में तो बाइक फीचर तो भर भर के दे रखे हैं। बढ़ते अपने फिफ्थ डिवाइस को, ये है आईफोन की तरफ से आने वाला 12 mini, आईफोन 12 mini एप्पल के तरफ से आने वाला आईफोन 12 mini। स्टोरेज इसकी 64 GB स्टोरेज है। अब इसकी प्राइस की बात करो तो 38,999 रुपये इसकी प्राइस है भाई। मिनी तो मिनी मिनी है तो भाई इसकी प्राइस भी कम ही होगी ना। अब इसके फीचर्स की बात करो तो फीचर्स तो आपको पता ही होंगे इसमें क्या क्या दे रखा है। बस डिस्प्ले की बात करो तो 5.4 inch का सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले है, जो कि आपको पता ही होगा। नहीं पता तो मैंने आपको बता दिया। कैमरे तो आपको पता ही है, इसमें 12 megapixel के ज़्यादातर कैमरे आते हैं, 12, 12, 12 और 12। फ्रंट भी है, रियर भी है। अब इसके प्रोसेसर की बात करो तो A14 बायोनिक चिप दे रखी है विद नेक्स्ट जनरेशन न्यूरल इंजन दे रखा है, जो कि बहुत अच्छा प्रोसेसर माना जाता है इस डिवाइस एप्पल के डिवाइस में। भाई प्रोसेसर तो एप्पल के डिवाइस बहुत ही फेमस है ना, कैसे क्या होता रहता है। अब ब्लूटूथ की बात करो, वर्जन 5.0 का ब्लूटूथ दे रखा है एंड वाईफाई 6 दे रखा है इसमें, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसमें वाईफाई 6 दे रखा है। अब आपको पता भी है ना कि एप्पल का फ़ोन बहुत ही, एप्पल का जो डिवाइस है ना बहुत ही फेमस है आपको पूरे वर्ल्ड वाइड में, तो क्या बताऊँ इस फ़ोन के बारे में। आपको प्रोसेसर भी अच्छा लगा होगा। प्रोसेसर क्या, जितने भी हमने अभी तक जितने भी स्मार्टफोन बताए तो आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।